साकिब उल हसन की हरकत पर काफी ज्यादा निराश दिखी श्रीलंका की टीम और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली। श्रीलंका के खिलाड़ियों ने मैच खत्म होने के बाद बांग्लादेश की टीम से हैंडशेक नहीं किया और सीधा अपने डगआउट की तरफ निकल पड़े, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, दरअसल ये सारा मामला शुरू हुआ जब बांग्लादेश के कप्तान साकिब उल हसन की अपील पर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट की वजह से आउट दिया गया। हालांकि टाइम आउट रूल के हिसाब से बल्लेबाज को 2 मिनट से पहले गेंद खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए और एंजेलो मैथ्यूज टाइम से पहले अपनी पहली गेंद खेलने के लिए तैयार भी खड़े थे, लेकिन अचानक उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया और इस मैच का सारा माहौल तभी से बिगड़ना शुरू हो गया था। एक एक करके श्रीलंकाई और बांग्लादेशी खिलाड़ी आपस में किसी न किसी बात पर बहसते हुए दिखाई दिए और नतीजा ये रहा कि श्रीलंका की टीम ने मैच खत्म होने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।